जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एसआई सैलरी स्लिप के बारे में, कि यदि आप एसएससी सीपीओ से एसआई बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ये वाला जो वीडियो है ना, वो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप फिलहाल में 4 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हो ना, इस वीडियो को देखते ही प्यारे साथियों आप कल से कम 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी में सीपीओ से जो एसआई बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है ना, उसको प्यारे साथियों बहुत ही शानदार वाली सैलरी मिलती है, बहुत ही गजब की सैलरी मिलती है। तो हम इनकी सैलरी स्लिप के बारे में डिटेल से बात करेंगे, फिर हम इनकी जो अलग अलग जैसे एसएससी सीपीओ एसआई सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, दिल्ली पुलिस में, इन सभी में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी सैलरी स्लिप का भी मैं अलग अलग तरीके से वीडियो लाऊंगा। तो यदि आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हो अलग अलग तरीके से, यदि आप बीएसएफ में एसआई बन जाते हो, आप सीआईएसएफ में एसआई बन जाते हो, आप सीआरपीएफ में एसआई बन जाते हो, या फिर आईटीबीपी में एसआई बन जाते हो, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इनका मैं अलग अलग तरीके से वीडियो ला लूँगा। उन वीडियो को देखने के लिए प्यारे साथियों आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप उन वीडियो को मिस नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं प्यारे साथियों, यदि आप सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 रहने वाला है, लेवल 6 आता है। इनका जो बेसिक पे है वो 35400 रुपए से शुरू होता है, 1,12,400 रुपए तक जाता है। तो ये जो 35400 रुपए का जो अमाउंट है ना, इसी से आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिल गया होगा कि यार सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक साइड हम अर्निंग के बारे में बात करेंगे, एक साइड हम डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। मेरा खुद का क्लासमेट था, संदीप नाम है, वो फिलहाल भी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर है। पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, और उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने मेरे को बताया इस सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो उसी के आधार पर प्यारे साथियों ये मैं सैलरी स्लिप बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने जितने भी डाटाओं का उपयोग किया वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इसके अलावा प्यारे साथियों जो डीए वो फिलहाल के अकॉर्डिंग, फिलहाल 2023 में डीए के डेट 42% है, हमने यहाँ पर 42% लगाई है। एचआरए 9%, 18%, 27% है, तो हमने एचआरए भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लगाया है। तो अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में, लेकिन प्यारे साथियों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे साथियों, यहां पर हम एक एक करके बात करते हैं, सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो यदि आप एसआई बनोगे तो आपका स्टार्टिंग का पहला महीने का जो बेसिक पे है ना, वो 35400 रहेगा। मतलब आपकी जो सैलरी है वो किसी भी हाल में 35400 से तो कम हो ही नहीं सकती। उसके बाद फिलहाल में प्यारे साथियों जो डीए की रेट है वो 42% है, तो आपको 42% डीए मिलेगा। अब यदि आपको 42% डीए मिलता है 35400 का, तो ये बनता है 14,868 रुपये जो आपको डीए मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए की प्यारे साथियों यहाँ पर टोटल 3 स्लैब है, 9% की, 18% की और 27% की, ठीक है। यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आपके गांव में पोस्टिंग होगी तो वहां पर प्यारे साथियों आपको 9% एचआरए मिलेगा, और यदि आपके बीच की कैटेगरी के सिटी में नौकरी होगी तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। सबसे खास बात ये है, यदि आप 9% स्लैब वाले एरिया में ड्यूटी करोगे तो प्यारे साथियों आपको जो हार्ड रिस्क अलाउंस है ना, वो बहुत अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 27% एचआरए से बात करते हैं, 9,558 रुपये का एचआरए बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4968 रुपये का बनेगा। डीए और टीए प्यारे साथियों आपका 2,086 रुपये का बनेगा। राशन मनी अलाउंस आपको 3937 रुपये मिलेंगे। हार्ड रिस्क अलाउंस प्यारे साथियों 9700 रुपये से शुरू होकर 17,300 रुपये तक मिलेगा। अदर अलाउंस प्यारे साथियों जैसे हेयर कट अलाउंस मिलेगा, सुप टॉयलेट अलाउंस मिलेगा, ड्रेस वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, बूट पॉलिश अलाउंस मिलेगा, राइफल मेंटेनेंस का अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों छोटा छोटा और भी टोटल कुल मिलाकर 350 रुपए का अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनकी जो ग्रोथ सैलरी है ना, वो बनती है 88,467 रुपए की। कितनी? 88,467 रुपए इनका ग्रोथ सैलरी बन रहा है।
अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली कटौती की बात की जाए तो प्यारे साथियों, सबसे पहली कटौती होती है यहाँ पर एनपीएस की, जो कि बेसिक पे और डीए का 10% करता है। तो बेसिक पे और डीए का यदि हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो 5,026 रुपये का इनका एनपीएस करता है। सीजीई जीआईएस में प्यारे साथियों इनके 60 रुपये करते हैं। इनकम टैक्स भी करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा दिखाकर इनकम टैक्स नाम मात्र का कटने देते हैं लोग, ठीक है, तो इनकम टैक्स को हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों टोटल कटौती हो जाती है कुल मिलाकर 5,086 रुपये की, जिसमें ये जो एनपीएस कटा है ना, ये डबल से ज़्यादा होकर आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब, ठीक है। तो अब हम सबसे मेन बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो इनके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होने वाली है। तो प्यारे साथियों, जब आप एसएससी सीपीओ से एसआई बनते हो तो आपके पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 83,381 रुपये। कितनी? 83,381 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है, बहुत गजब की नौकरी है, रेपुटेशन है बहुत अच्छी खासी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी पावर है, क्योंकि प्रमोशन बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ऊंची पोस्टों पर होंगे। धीरे धीरे प्रमोशन लेकर आप एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट से रिटायरमेंट लोगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, सैलरी जब शुरुआत ही 80,000 से हो रही है तो रिटायरमेंट का तो अनुमान लगाओ कि लगभग 2-2.5 लाख तो कम से कम मिलेगा ही आपको रिटायरमेंट के समय। तो एक तरीके से प्यारे साथियों, बहुत ही गजब की सैलरी मिल रही है, बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत ही शानदार वाला सीन है। यदि अभी भी लापरवाही बरते रहो ना, तो अब छोड़ दो लापरवाही बरतना, अब सीरियसली तरीके से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। जल्द ही वीडियो आने वाले हैं, यदि आप CISF में SI बनोगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, ITBP में SI बनोगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, CRPF में SI बनोगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी अलग अलग कैटेगरी है, उन सभी का भी मैं यहाँ पर वीडियो ला दूंगा। सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलेगी, सबसे कम किस में मिलेगी, इसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। और इसके अलावा प्यारे साथियों, आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेशन में कमेंट तो लिखो प्यारे साथियों, अगले 6 घंटे के अंदर अंदर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, वो भी 100% ऑथेंटिक डाटाओं के बेसिस पर, जिस पर आप बिल्कुल 100% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।